आप सभी का चंचल किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घी का हलवा। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इस दूध को मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है। जब हमारा दूध आधा हो जाएगा जब तक हमें इंतज़ार करना है, क्योंकि जब तक ही मैं अपने घी को छील के कद्दूकस करूँगी तो घिया काली हो जाती है। हमारा दूध आधा हो चुका है, अब मैं अपने घी को छील लेती हूँ और फिर उसे कद्दूकस करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इतनी घिया छील ली है, मैं इसे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से पीस वो मैं काट लेती हूँ, क्योंकि जो इसका अंदर वाला ये है इसमें बीज होते हैं, मैं इन सबको निकाल लूँगी, उसके बाद इसे कद्दूकस करूँगी। मैंने सबको, आप देख सकते हैं, सबको इस तरीके से कर लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करके फिर आपसे मिलती हूँ। हमने अपनी घिया कद्दूकस कर ली है। इस घिये को हम हाथों से दबाते हुए, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ये सारा हम निकाल देंगे। हमने अपने घी में से एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे दूध में ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी की तरह होने वाला है ये धीरे धीरे करके। पर अभी से हमें इतना गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अभी से हमें इसमें घी को पकाना है। इसे डाल देंगे हम और इसे अच्छी तरह से साइडों से सारा जो मिलाई चिपक गई इसे निकाल देंगे इसमें से। साइडों से सारी मिलाई हमें हटा लेनी है, साइडों में जम गई है थोड़ी। गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर दिया मैंने। साथ में ही मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ अपनी चीनी, इसे भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए। और स्लो गैस पे मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, जिससे हमारी जो घी है वो अच्छी तरह से गल जाए और उसका कच्चापन ना आए खाते टाइम हलवे को। आप देख सकते हैं कि हमारा जो लौकी का हलवा ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगा है। साइडों से आप हमेशा इसे छुड़ाते रहिए, क्योंकि अगर ये चिपक जाता है तो ये वेस्ट इसमें जाएगा। अगर आप इसे मिला देंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई होने लगा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड कर दूंगी, जिससे इसका कलर और अच्छा लगे देखने में। मिक्स कर देती हूँ उसे। और साथ में मिक्स कर दूंगी इसमें इलायची। मैंने इन्हें बस क्रश कर लिया है, ज़्यादा पीसा पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इसे हाथ से क्रश ही कर लिया है। खाली से किशमिश और बादाम, आप अपने अनुसार और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इनको मिक्स कर दूंगी। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच घी ऐड करूंगी, जिससे इसकी शाइनिंग और भी अच्छी आएगी हलवे की। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हमारा हलवा लगभग तैयार ही है। इसे मैं बिल्कुल ड्राई नहीं करूंगी, थोड़ा सा गीला ही रखूंगी,
क्योंकि अगर ज़्यादा ट्राई कर दूंगी तो ये फिर ये टाइट हो जाएगा और फिर खाने में भी ये टेस्टी नहीं लगेगा। हमारा हलवा बिल्कुल बनके तैयार है, आप देख सकते हैं जो हमने इसमें 2 चम्मच घी डाला था वो भी अब इसमें अलग दिखाई देने लग गया है। इसका मतलब ये हलवा बिल्कुल तैयार है बनके और ये चिपक भी नहीं रहा है कहीं पर। बस इसी स्टेप पे मैं इसे बंद कर दूंगी, अगर ज़्यादा ड्राई करूँगी तो ये फिर खाने में टेस्ट ही नहीं लगेगा और थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इसकी प्लेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं हम बादाम से। हमारा हलवा आप देख सकते हैं मैंने इसमें बादाम लगा दिए हैं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।